कांवड़ मेले को लेकर गोरखपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में डीआईजी एसपी समेत सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। आईजी मोहित अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस बार कांवड़ में हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी निगरानी करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने 16 तारीख से 21 तारीख तक के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है और उम्मीद है किसी भी हेलीकॉप्टर हमको उपलब्ध हो जाएगा। पुलिस कांवड़ियों के साथ कहा गया है कि एक मार्गदर्शक का काम करे, उनको गाइड करे, उनको अभी से मीटिंग करके बताए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। इस बार कांवड़ियों को लाउडस्पीकर लगा करके चलने की, एक लाउडस्पीकर लगा करके वो चल सकते हैं। उसके लिए उनको संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जो धार्मिक गाने हैं उनको वो लोग बजा सकते हैं, कैसेट बजा सकते हैं, इसके बारे में गांव-गांव मीटिंग करके उनको बताना है। इसके अलावा क्या वो लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे अश्लील गाने हैं उसको बजाना अलाउड नहीं है, यह बात भी हम लोग उनको बताएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपेक्षा की थी कि चौराहों को गोद लिया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसी तरह से स्कूलों के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि एक एक स्कूल जो है, हमारे पुलिसकर्मी यदि एक एक स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे तो एक तरफ जहां स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा, वहीं जनता का पुलिस से जुड़ाव भी बढ़ेगा। वहीं आईजी ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस वाले एक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लें, जिससे प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा और जनता का पुलिस से जुड़ाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले आईजी के निर्देश पर एसपी से लेकर थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्जों ने एक एक चौराहों को गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।